साकी कोई सी भी गुड़िया, ये वही पीस है ना? सारे 300-300 रुपए के लगे हैं, कोई भी पीस लीजिए। 300 रुपए की है बस। तो आगे वाला जो पीस लगा हुआ है क्वार्टर स्लिप पे, वो 400 रुपए का है। आज हम आपको एक ऐसी मार्केट लेके आए हैं, यहाँ पे मात्र 50 रुपए में बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं। तो 50 रुपए में कैसे मिल जाते हैं ये आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ सामान दिखाना चाहते हैं यहाँ की। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है इस मार्केट में। भैया, ये सब कितने की है? अरी कितने की? 30 की है, कोई सा भी। ये जो आप कान के झुमके देख रहे हैं, ये मात्र 30 रुपए की कान का झुमके हैं। फ्रेंड्स, आपको शायद 30 रुपया सुनकर यकीन ना आया हो, लेकिन हाँ, ये सच है कि इस मार्केट में हर एक चीज़ बहुत ही सस्ती मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लखनऊ की खूबसूरती के बारे में तो बहुत कुछ सुने होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को लखनऊ की एक ऐसी मार्केट में लेके आए हैं जहाँ पर सामान बहुत ही सस्ती मिलती है। इस झुमके को ही देख लीजिए, आप इसे देख कर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि शायद ये 200-250 की होगी, लेकिन जी नहीं, ये मात्र 30 रुपीज़ की है। और सारे अलग अलग कलर में, सारे ड्रेस से मैचिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे इयररिंग वगैरह। यह हर एक सामान यहाँ पे बहुत ही सुंदर कम दामों पे मिलते हैं। कितने का है? 300 का। बच्चे का है ना? अच्छा, देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप मेरे पीछे जो कपड़ा देख सकते हैं, छोटे छोटे, ये मात्र 50 रुपए की कपड़ा है जो यहाँ पे रखे हुए हैं। और मैं आपको बहुत सारी यहाँ पे अभी सामान दिखाऊंगी अभी आगे। 300 का जोड़ा, 300 का जोड़ा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जैकेट बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे यहाँ पे जैकेट की कलेक्शन है। और ये सारे जो जैकेट लगे हुए हैं, ये सब मात्र यहाँ पे 350 रुपए की जैकेट है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर जैकेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडीज कोट है, और ये सब भी 350 रुपए की ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस कपड़े की ही बात कर लेते हैं। हम लखनऊ की बात करें और इस कपड़े की बात ना करें तो फिर काहे का हम ब्लॉगर। फ्रेंड्स, ये वही कपड़ा है जिससे हमारा लखनऊ जाना जाता है। हमारी लखनऊ की पहचान है चिकन की कढ़ाई। तो हमारी लखनऊ दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा मशहूर है, एक खाने वाली चिकन और दूसरा पहनने वाली चिकन। तो इसकी जो कढ़ाई है, ये सिर्फ लखनऊ में ही होती, और इस कपड़े को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ से दूसरे शहर में भी काफ़ी इसकी डिमांड होती है। लेकिन दूसरे शहर में अगर आप इसी कपड़े को ख़रीदते हैं तो यही कपड़े वहाँ पे कम से कम 2.5 से 5 हज़ार में बेची जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा ये कढ़ाई होता है, बहुत ही प्यारे प्यारे इसके कलर होते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि इसकी जो कढ़ाई है ना, वो बिल्कुल भी मतलब ख़राब होने वाली नहीं होती है, बहुत ही अच्छी होती है ये कुर्तियाँ। तो अगर आप लोग कभी लखनऊ आइएगा तो प्लीज़ इस कुर्ती को ज़रूर ख़रीदिएगा। तो चलिए हम अब आगे कुछ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ ही रही थी कि मुझे ये दिख गया, और ये मालूम है किस चीज़ से बना हुआ है? गांव में जो होते हैं ना, बांस, बांस बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ बांस ही बोलते हैं। तो जिसका शादी वगैरह होता है तो मरवा बनती है ना, तो शायद आप लोग जानते ही होंगे।
तो वो उसी की बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं आप ही लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कितने सुंदर कलेक्शन लग रहे हैं। भैया गुड़िया कितने की है? 100 रुपए की। 100 की कोई सी भी गुड़िया? फ्रेंड्स ये गुड़िया आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जैसे ही इस गुड़िया को मेरी नज़र पड़ी ना, मैं तो इसको देख के बहुत खुश हो गई थी और देखते ही सोच ली थी कि ये गुड़िया मुझे चाहिए ही चाहिए और मैं 2 गुड़िया खरीदी ना, बहुत अच्छा लगा। ये गुड़िया मुझे बहुत ही सुंदर है। ये फ्रेंड्स इस गुड़िया ने जो ड्रेस पहने हुए हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इस गुड़िया का जो ड्रेस है, जब हम लोग मॉल जाते हैं और जो हम लोगों को थैला मिलता है ना मॉल में, उसी कपड़े से इसकी ड्रेस बनी हुई है। बहुत ही प्यारा लग रहा था इसके ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स आप लोग मेरे पीछे जो गुड़िया देख रहे हैं, ये गुड़िया बहुत ही कम चीज़ों से बनाई गई है, बहुत ही प्यारी गुड़िया है। तो ये गुड़िया हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इस गुड़िया को हम लोग खरीद भी रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ना, ऐसा लगता है ना कि जीता जागता हुआ गुड़िया है, तो हम लोग को काफ़ी पसंद आया ये गुड़िया। तो फ्रेंड्स एक नज़र आप लोग इधर भी देख लीजिए, तो ये एक रेडीमेड बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है और जो हम लोग सीधे देख रहे हैं अभी, ये 250 रुपये की है और अभी जो हम लोग देखेंगे ऊपर वो ब्लाउज जो है, ये नीचे वाली 350 की है और ऊपर वाली 300 रुपये की है, और जो सामने से लगे हुए थे वो 400 रुपये की थी, जो अभी शायद मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं की, लेकिन हाँ आगे अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी वो भी कि 400 में कौन से ब्लाउज थे। और अभी मैं 2 से 3 दिन पहले ही मीशो पे और अमेजोन पे दोनों पे चेक कर रही थी ब्लाउज, तो अभी ये जस्ट ये ब्लाउज जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लाउज मुझे 700 रुपये की वहाँ पे दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ब्लाउज 350 में मिल रही है। तो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अंतर हो जाता है ना रेट में, बहुत ज़्यादा अंतर। निकालिए कोट 100 रुपए का कोट, कॉपी टाइप में आ जाएगा, केवल 100 रुपए में निकालिए कोट, 100 रुपए में कोट निकालिए, 100 रुपए केवल 100 रुपये में। तो फ्रेंड्स अगर हम एक दुपट्टा भी मार्केट लेने जाते हैं तो हमें बड़ी आसानी से 200 से 250 रुपये में तो मिल ही जाता है ना, तो यहाँ पर कोट 100 रुपये में थोड़ा सा हाजिर नहीं हो रहा ना बात। तो मैं आपको बताती हूँ और आपके सामने ही है, 100 रुपया बोल भी रहे, आप सुन भी रहे हैं और कपड़े आप देख ही रहे हैं कि कोई ख़राबी नहीं है, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी है। फिर 100 रुपये में क्यों है ये हम आपको बताते हैं। और यहाँ पर संध्या देख रही है कि उसको कौन सा अच्छा, मतलब उसके ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, वो पहन के देख रही है और वो मुझे बता भी रही है कि मेरे ऊपर कौन सी अच्छी लग रही है, आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैं भी देख रही हूँ कि उसके ऊपर कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये डिज़ाइन तो अच्छी लग रही थी बट उसके ऊपर ना ढीला हो रहा था, तो फिर ये ब्लैक वाला डाली, ये उसके ऊपर जम रहा था। और फिर यहाँ पर देखिए दुकान वाले ही खुद पहन के दिखाने लगे कि मेरे ऊपर देख लो कैसा लग रहा है। तो मैं बात कर रही थी ना कि रेट यहाँ पे इतनी सस्ता क्यों है, तो देखिए सस्ता होने का कारण ये भी है कि यहाँ पे कुछ सामान ऐसे हैं जिसको मतलब यहाँ पर ही तैयार किए जाते हैं, यही के कारीगर इसको तैयार करते हैं और यहीं पे लाके इसको बेच देते हैं। तो क्या होता है कि इनको इसी में से लागत निकल आती है, उनका कोई नुकसान भी नहीं होता है और हाथों हाथ सामान यहाँ पे बिक भी जाती है। और यही सामान जब दूसरे शहर में जाएगी तो फिर इसकी रेट दुगनी हो जाएगी, बस यही कारण होता है यहाँ पे सामान सस्ती होने का। और रहा कोट, कोट इतना सस्ता क्यों है, तो कोट का तो जैसे आप लोग मॉल में जाते होंगे तो कपड़े क्या है वहाँ पे आप देखते होंगे, कुछ कपड़े 50%, कुछ कपड़े 70% पे लगे होते हैं,
तो वो कपड़े जब वहाँ पे नहीं निकल पाते हैं तो फिर वही कपड़े यहाँ पे दे दी जाती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया का कपड़ा, इंडिया से भी बाहर का भी कपड़ा यहाँ पे आ जाते हैं बेचने के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि इस मार्केट में इस तरह के कपड़े बेचे जाते हैं। तो इंडिया से बाहर से भी कपड़े आते हैं। तो यहाँ पे जो कोट हम लोग 100 रुपये की ख़रीदते हैं, अगर हम मॉल में जाएंगे तो वही कोट बड़ी आसानी से हम लोग बड़े मॉल में जाके 5 से 10 हज़ार में ख़रीद के ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये में बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी सामान्य फैमिली का अगर मिडिल क्लास का आदमी है वो भी बहुत अच्छे से पहन ओढ़ सकता है। बहुत ही अच्छी लाइफ यहाँ पर सभी लोग जीते हैं, बहुत ही मज़े से रहते हैं। शायद इसीलिए लखनऊ हमारा बहुत ही प्यारा सा शहर है, बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पर हम लोग की शॉपिंग हो चुकी तो हम लोग सोचे चलो कुछ आए हैं तो खाते पीते चलते हैं। तो ये आलू की टिक्की है जो लखनऊ में काफ़ी फेमस है, और हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो फिर आलू की टिक्की तो ज़रूर खाते हैं और हम लोग को काफ़ी पसंद भी है। तो फ्रेंड्स हम लोग पूरा मार्केट तो घूम नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, और पूरी मार्केट घूमने में तो यहाँ पूरा दिन चला जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ से घर को ही निकल रहे हैं और क्या क्या शॉपिंग किए हैं वो हम घर चल के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम पूरी मार्केट तो आपको एक दिन में घुमा नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी है। अगर हम किसी एक सड़क को भी पकड़ लेते हैं ना शॉपिंग के लिए तो ही मतलब हम लोग की पैर दर्द हो जाती है चलते चलते। तो और मुझे घर भी जल्दी जाना है, आप लोगों को पता है कि मुझे ऑफिस में भी देखने होते हैं काम, तो इस कारण मुझे यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी ही निकलना होगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ की शॉपिंग के बारे में जानकर, यहाँ की मार्केटिंग के बारे में जानकर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग कभी भी लखनऊ आए तो प्लीज़ इस मार्केट में ज़रूर आए। हाँ मैंने तो बताया ही नहीं ये मार्केट कौन सा है। तो ये लखनऊ बुध बाज़ार के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ बुधवार को ही लगती है, इसके अलावा दूसरे दिन नहीं लगती है। तो आप कभी भी लखनऊ आए तो बुधवार को आए और यहाँ का बाज़ार घूमें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।